मध्य प्रदेश के चंदेरी में तेज बारिश का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। राजाघाट में स्थित महारानी लक्ष्मीबाई बांध महज 4 दिनों में ही लबालब हो गया है। रविवार को 18 में से 14 गेट खोलने पड़े। वहीं एमपी यूपी को जोड़ने वाले कई मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते अब बांध पूरी तरह पानी में छलक उठे हैं। चंदेरी में लगभग 15 किलोमीटर दूर राजघाट स्थित महारानी लक्ष्मीबाई बांध भी पूरी तरह से भर चुका है, जिसके चलते इसके 18 में से ही 14 गेट खोले गए हैं, जिनके प्रति सेकंड 3,15,988 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले पुल पर 20 फीट पानी भर गया है। सड़क मार्ग शनिवार की रात 10 बजे से पूरी तरह बंद है। सुरक्षा को देखते हुए दोनों ओर वेरिगेटिंग करते हुए सूचना के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही नदी के आसपास के गांव को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। ये मार्ग पूरी तरह से बंद रहने की आशंका इस तरह लगातार बांध में बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए उम्मीद है कि 24 घंटे तक मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव रहेगा, जिसके चलते सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद रहने की आशंका है। देखा जाए तो भोपाल, विदिशा सहित अन्य शहरों में हो रही लगातार बारिश के चलते वेतना नदी उफान पर है, और ऐसे में राजघाट बांध में प्रति सेकंड 3,15,000 क्यूसेक पानी पहुंच रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से बांध प्रबंधन के द्वारा 14 गेटों के माध्यम से 3,15,928 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसमें से 3,920,000 डैम में से 8,000 क्यूसेक टाइबरन में पानी निकाला जा रहा है।